जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है रचना अग्रवाल। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट। इसके लिए मैंने 1 कप चने लिए हैं। इनको मैंने ओवरनाइट सोक किया था, 6 से 8 घंटे भी आप सोक कर सकते हैं। और उसके बाद कुकर में नमक डालकर मैंने इन्हें बॉईल कर लिया और इसका पानी हटा दिया मैंने। पानी को मैंने अलग से सेव करके रखा है। अगर हमें चना चाट में थोड़ा सा पानी की कमी लगी तो हम वही पानी यूज़ कर लेंगे इसमें। तो ये बॉईल चने हो गए हमारे। इसमें हम 1 टमाटर कटा हुआ ऐड करेंगे, इसी के साथ 1 खीरा बारीक कटा हुआ, इसी के साथ 1 एप्पल बारीक कटा, 1 छोटा अनार उसके दाने निकले हुए, 1 बॉइल्ड आलू छोटे छोटे पीस में कटा हुआ, 2 हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे, करीब करीब 2 टेबल स्पून, 2 इमली की या अमचूर की जिसकी भी चटनी आप खाते हैं, खट्टी चटनी या खट्टी मीठी चटनी, वो भी करीब करीब 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे भुना जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक, नमक हम चने में डाल चुके हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, काला नमक से चने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चाट मसाला 1 टीस्पून, और इसी के साथ नींबू का रस, करीब करीब 1 नींबू का रस आप इसमें डाल सकते हैं। नींबू से भी चने का स्वाद बहुत अच्छा आता है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरी चटनी और लाल चटनी डालने से इन चनों का स्वाद बहुत टेस्टी हो जाता है। नो ऑयल कुकिंग, कोई ऑयल नहीं है इसमें, और स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखा गया है इस चना चाट में। इसे आप फ्रिज में रख दें, ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, या अगर ठंड के दिन है तो आप रूम टेम्परेचर पर भी सर्व कर सकते हैं। इन्हें गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चाट है। हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। अगर आपको इस टाइम पे लगता है कि थोड़ा सा सूखा है तो जो चनों में से हमने पानी निकाला है वो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा।